अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ख्वाजा अली मोहद्दीन सोशल वर्कर अदाबन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, आपके मेहनत का पैसा सही जगह इस्तेमाल करिए मेरे भाई। आपके खानदान में देखिए मेरे भाई, आपके पड़ोस में देखिए, आपके मोहल्ले की मस्जिद में देखिए, या आपके मदरसे में देखिए मेरे भाई। जहाँ पर भी अगर हॉस्पिटल रहेगा, गांधी हॉस्पिटल रहेगा, नीलफर हॉस्पिटल रहेगा, उस्मानिया रहेगा, वहाँ पर आप लिख जाके दीजिए मेरे भाई। हैदराबाद में इतना माहौल ख़राब हो गया मेरे भाई। एक मीडिया पर्सन है, एक जना गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के वीडियो बना रहा, फाउंडेशन को लिख जा रहा। वो फाउंडेशन का नाम भी मेरे सामने जल्द आने वाला है मेरे भाई। वो फाउंडेशन वाला 11-11 इसका नाना डाल रहा हूँ, सुने मेरे भाई? तो 11 पेचा है वो, उसके एक पेच नहीं है, 11 पेचा डाला। अगर कोई भी फाउंडेशन चला रहा तो उसका एक पेच रहना, तो 11 पेचा चला के उन्हें फाउंडेशन के ऐसा पैसे लूट रहा। अब ये मीडिया पर्सन ये बेचारा दूसरे रिपोर्टरों का नाम बदनाम कर रहा है, पकड़ पकड़ के, जैसा हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, हार्ट टूटा है, या गरीब बच्ची की शादी है, ऐसा पकड़ के वहां पर, अम्मा मैं आपकी 1 लाख की मदद कराया तो मेरे को 50 दे देना बोल के मजबूरी में लोगों वीडियो बना के वो पैसे वहां पर वीडियो अपलोड हो जा रही हो फाउंडेशन में। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, जो भी अपील करा, चाहे वो बहन रहने दो, चाहे वो भाई रहने दो, या बुजुर्ग रहने दो, या माँ रहने दो, उसी का अकाउंट नंबर है ना, उसी का स्कैनर है ना मेरे भाई, तो आप हकदार तक आपके पैसे जाते। ये हराम के पिल्ले, ये फाउंडेशन डाल के हराम की खाने की आदत हो गई। 5 करोड़ रुपए का मकान लिया गया था एक फाउंडेशन वाला, 5 करोड़ रुपए का। इंशाल्लाह ताला उसका नाम भी बोलूंगा मैं, डरूंगा नहीं, इंशाल्लाह ताला नाम के जरिए बताऊंगा मैं, और पुलिस के जरिए मैं इंशाल्लाह कंप्लेंट करके उसके ऊपर सक्सेसफुल एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठेंगी उसके ऊपर। जैसा फलस्तीन के नाम से करोड़ रुपए खाए, 75 करोड़ रुपए खाए, आज तक फलस्तीन का कोई हिसाब नहीं बताया, पैसों का खाली लूटम लाट हुई। मगर देखो आज ये चंदा चोरा दोनों लड़ लेके अपने अपने पेचा डाल ले रहे दोनों। अब बीच में नया चंदा चोरा आया, इमोशनल म्यूजिक डाल रहा, सर पे टोपी रख रहा, मिठे बातें कर रहा। मैं इसको अच्छा आदमी समझा था, मगर मेरे को नहीं मालूम इतना घलीस निकला उन्हें, तो उसका पूरी सच्चाई सामने लाऊंगा। और ये लिख जाने वाले दो जने हैं, देखो मेरे भाई, एक शाहीन नगर जलपल्ली गेट करने रहता, उसकी उम्र होंगी बहुत कम होंगी, एक 20-25 साल का है उन्हें, और एक जो है एक 35 साल या 32 उम्र है उसकी, शमाटा किस करने रहेगा उन्हें। ये दोनों पकड़ के फाउंडेशन को लेके जाके इमोशनल म्यूजिक बना रहे, सुने भाई? इनका डाटा पूरा मैं निकाल रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला कानून के जरिए मैं लेके जाके कमिश्नर साहब तक रखूंगा। तो फाउंडेशन वालों के ऊपर भी पूरी इंक्वायरी बैठेंगी। मैं आपके मेहनत का पैसा है मेरे भाई, किसको भी दे रहे मेरे भाई, सोशल मीडिया पे आप सोच समझ के आपका पैसा दीजिए, चाहे मस्जिद हों दो, मदरसा रहने दो, आपके मेहनत का पैसा है मेरे भाई। आप फोन करके उसको मालूम करिए, आप वीडियो कॉलिंग करिए, आप पैसे दे रहे तो ऐसा अंधे बन के मत दीजिए मेरे भाई। लोग देखो आज हर गली में निकल के मेरे को डेली 100-100 फोन आ रहे, अलीम भाई मेरे को स्कूल की फीस होना, अलीम भाई मेरा घर का किराया, अलीम भाई मेरे को कारोबार नहीं है, अलीम भाई मैं ऑटो चलाता हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे भाई बच्चे हैं, मेरी बहन की शादी है, कई मसाइल हो रहे, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। तो मैं ऐसा नहीं करता, जो मजबूर है उसका अकाउंट नंबर ही दूंगा, उसका एरिया भी बताऊंगा, सुने मेरे भाई? वो घर तक पहुंचना मदद। ये लोगों ने क्या है मेरे भाई, एक फाउंडेशन डाल के, इमोशनल म्यूजिक डाल के लोगों को लूट रहे, तो इंशाल्लाह ताला इसके पीछे लगा हुआ हूँ मेरे भाई। वो जलपल्ली का पुट्टे का फोटो भी निकालूंगा, उसका नाम भी निकालूंगा, और वो रिपोर्टर है जो, उसकी भी फोटो निकाल के पूरा चिट्ठा सामने लाके पूरा खुलासा करूंगा मैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आपके मेहनत का पैसा ऐसा इमोशनल म्यूजिक लगाने से मत दीजिए। टेलीफोन करिए मेरे भाई, कोई भी फाउंडेशन रहने दो, आज फाउंडेशन हर कोई गली में पोटे पोटे निकल के वीडियो बना के करोड़पति बनना चाह रहे, जैसा फलस्तीन के नाम से लूटे ये चंदा चोरा दोनों, मगर आज तक हिसाब नहीं बताए। आज चेहरे पे देखो रौनक चले गई, वो दृढ़ फसली के दुबले को देखो, खाली ऐसा गरे तो ऐसा पते तो लल्ली मते जाता। वो गेंडा देखो घुंघरू बाल वाला, उसको तो लंगा करके मारेंगे, हमारा वक्त पड़ेगा। तो ये लोगों को हराम के खाने की आदत हो गई, दोनों फलस्तीन के पैसे खा लिए, बुरासी आ गई, इन्हें ज्यादा ले लिया, इन्हें ज्यादा ले लिया बोल के अपने अपने ये दोनों चंदा चोरा पेचा अलग अलग डाल दिए। ये नया नया चंदा चोरा आया हुआ है, इंशाल्लाह ताला इसका नाम भी बताऊंगा, उसकी फोटो भी बताऊंगा, और कहते हैं 5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदा, कहते हैं इंशाल्लाह ताला। और 11 पेचा कैसा चलाता भाई ने, फाउंडेशन वाला कोई भी रहे तो एक पेच चलाना, इसके साथ के पट्टे 4-5 मिलके 11 पेचा चला के लोगों को लूट रहे भाई। अगर किसी भी मदद करना है, उसका अकाउंट नंबर, उसका स्कैनर नंबर, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी मदद करिए मेरे भाई। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, ये लोगों के पीछे लगा हुआ हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला पूरा छिट्टा आ चुका है, वो पुट्टों को पकड़ के पूरी सच्चाई मैं सामने लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप याद रखिए, आपकी मेहनत का पैसा किसी को मत जाने दीजिए मेरे भाई। अगर आपका पैसा अगर ये लुटेरों के चलेगा, तो ये साले महंगे फोन आ लेंगे, महंगे गाड़ियां लेंगे,
इमोशनल मीठे मीठे बातें करेंगे। अब इतना तो हो चुका है कि चंदा चोरा स्कूल के नाम से पैसा लूटेंगे। आप देखिए, आपके मेहनत का पैसा कहीं ना दीजिए। जहाँ मस्जिद नहीं बनी, वहाँ मस्जिद की अगर जरूरत है तो मस्जिद तक पहुँचाइए। अगर मदरसा में खाने को नहीं है बच्चों को, वो मदरसा तक आप पहुँचाइए मेरे भाई। ये सालों को हराम की खाने की आदत हो गई। मेरे को 20 लाख का ऑफर दिए, मैं थूकता हूँ तुम्हारे 20 लाख के ऑफर पे। सुना, खाजा अलीउद्दीन भीख मांग लेगा मगर किसी के सामने सर नहीं झुकेगा। अगर मेरी घर की परेशानी भी आ जाएगी तो जाके मैं बिड़बिड़ाऊंगा, मदद लूंगा मैं, मगर मैं हक की बात बोलूंगा। मगर वो फाउंडेशन के ऊपर मेरे को भरोसा था, मेरे को भरोसा उठ चुका है। पूरे बच्चों को, नौजवान 5-6 बच्चों को ले जाके इमोशनल वीडियो बना के पैसे लूट रहा हूँ। पूरा तय कर ले रहा कितने पैसे कहाँ आते। तो फाउंडेशन वाले का पूरा अकाउंट नंबर निकालूंगा मैं, इंशाल्लाह ताला साइबर के नाम से उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बिठाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सही, आपका पैसा इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम।